कांग्रेस ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद सवाल किया कि आखिर आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अब हर देशवासी को सरकार से यह सवाल करना होगा कि चीन को भारत की सरजमी से कैसे पीछे धकेला जाए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि एलओसी से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश ने, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। पीएम के संबोधन के बाद सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि भारत के सशस्त्र बलों पर सभी देशवासियों और कांग्रेस को गर्व है। हमारी सेना ने हमेशा सीमाओं की रक्षा की और हर बार आक्रमण होने पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। सेना के तीनों अंगों और अर्धसैनिक बलों को हमारी तरफ से सलाम। उन्होंने कहा कि हमें यह भी सोचना होगा कि आज हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। आज जब चीन हमारी सरजमी पर अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उसे पीछे कैसे धकेलना है, भारत माँ की रक्षा कैसी करनी है, इस पर हर भारतवासी को सोचना होगा और सरकार से जवाब मांगना होगा। यह सच्ची आजादी का प्रतिबिंब है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री की ओर से आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिए जाने को लेकर सरकार पर तंज कसा। सुरजेवाला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो यह सवाल पूछना होगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे और हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो देश की आजादी को सुरक्षित रख पाएगी।